नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मीनिंग क्या हुआ कि एक बॉडी है जिसकी सर्टेन लेंथ है, सर्टेन ब्रेथ है और सर्टेन थिकनेस है, तीनों में से कोई भी डायमेंशन नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं है। इस पूरी बॉडी को जब आप हीट अप करेंगे, थोड़ा सा इसका लेंथ इंक्रीज होगी, थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, थोड़ी सी इसकी ब्रेथ भी इंक्रीज हो जाएगी, तीनों ही डायमेंशन में इंक्रीज होगा। तीनों डायमेंशन में इंक्रीज होने का मीनिंग ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, ओवरऑल इफेक्ट पड़ा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, लिखते हैं द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए थ्री डायमेंशनल बॉडी, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए थ्री डायमेंशनल बॉडी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए थ्री डायमेंशनल बॉडी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे हमने बीटा फाइंड किया, अल्फा लिखा, वैसे ही कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। गामा इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा थीटा। ठीक है, लिखिए कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। Is given by gamma equals delta V by V delta theta. ठीक है, और इसे भी define हम वैसे ही करेंगे जैसे alpha और beta को किया था। क्या, if V equals 1 cubic meter, delta theta कितना 1 degree Celsius, तो फिर गामा कितना बचता है आपका, डेल्टा वी। ठीक कीजिए, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज, is defined as the increase in volume, the increase in volume per unit original volume, per unit original volume per degree rise in temperature, per degree rise in temperature, per degree rise in टेम्परेचर। इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन।